फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जोहार संथाल। मैं आज आप लोग को एक इस तरह का टेक्निकल ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आप करके इसमें आप बहुत बेहतरीन से अच्छी तरह आप अपना मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है। तो इसमें आपको बताएंगे कि किसी भी फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में वाईफाई से किस तरह आप इंटरनेट पाते हैं, वो भी WPS के सहारे। तो WPS ये जियो वाईफाई में होता है, सभी जियो वाईफाई में WPS होता है। तो आपको जियो वाईफाई पहले दिखाते हैं किस तरह का है। ये रहा, ये है जियो वाईफाई, ये है जियो वाईफाई। अभी ये जियो वाईफाई ऑन है तो ये आपको दिखा देते हैं पूरा किस तरह का ये रहा। इधर इसका बटन है WPS बटन, इससे नेट मोबाइल में कनेक्शन होता है WPS के सहारे। जियो वाईफाई में सिक्योरिटी लॉक होता है तो इस बटन को दबाने से आप अपना सिक्योरिटी लॉक अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा और ये इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल पाएगा। इधर है आपका चार्जर, इसको आप चार्ज कर सकते हैं, चार्ज पिन है। तो इसमें इसको कैसे कनेक्ट करें चलिए आपको मैं दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि अपना फ़ोन को इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको वाईफाई में जाना पड़ेगा। वाईफाई देखिए मेरा ऑन है लेकिन ये जियो वाईफाई जो है वो भी ऑन है तो इससे मेरा कनेक्शन अभी नहीं है। तो कैसे करके कनेक्शन करते हैं देखिए। अभी मैंने वाईफाई खोल दिया है तो यहाँ नारायणी किड्स है, ये अभी ये इसका वाईफाई आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन जी वाईफाई का, नारायणी किड्स के नाम से है। तो ये अभी लॉक है, उधर चाबी दिखा रहा है लॉक, मतलब ये अभी लॉक है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, देख सकते हैं आप कोना में ये अभी लॉक है। तो इसको हम टच करेंगे, उसके बाद यहाँ मांग रहा है पासवर्ड। तो पासवर्ड तो कुछ भी पासवर्ड डालेंगे, मान लीजिए कुछ भी डालते हैं, कनेक्शन करते हैं फिर भी नहीं होता, कहे कि ये पासवर्ड हमको मालूम नहीं है क्या है। तो इस पासवर्ड को किस तरह से इसको हैक करके किस तरह से हम अपना इंटरनेट कनेक्शन जियो वाईफाई के सहारे पाते हैं देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ डाउन में लिखा है वाईफाई प्रीफ्रेंस, इसको आप टच कीजिए। इसके बाद यहाँ लिखा है एडवांस्ड, इसको भी टच कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें बहुत कुछ लिखा है। यहाँ वाईफाई डायरेक्ट या WPS पास बटन, WPS पिन एंट्री। तो इन दोनों में से किसी एक को टच कीजिएगा, जैसे कि हम टच कर रहे हैं अभी WPS पास बटन, तो इसको हम टच करेंगे तो इस तरह का आता है। उसके बाद जो जियो वाईफाई में है WPS का बटन, जियो वाईफाई में आपको दिखाए हैं, उसको आपको दबाना है और ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाएगा। मैं अभी दबा रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा है, जल्दी कुछ सर्वर में शायद प्रॉब्लम है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, ये हो जाएगा, दिखा देते हैं आपको। शायद इसमें हो, अभी हम आपको दिखा देते हैं। अभी इसको मतलब कि मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, इसमें मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, इसमें चलो
जोड़ेंगे फिर इसमें। हाँ ये कनेक्ट हो गया, WPS के बटन मैंने दबा के रखा था तो ये कनेक्ट हो गया है। इसी तरह आप अपना फ़ोन में भी WPS के सहारे आप अपना फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल सकता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ये रहा मेरा कनेक्शन हो गया है और इसमें मेरा वाईफाई देखिए उसी का है, नारायणी किड्स का जो कनेक्टेड लिखा है ये कनेक्टेड है मेरा। अभी आपको इंटरनेट चला के दिखाते हैं यूट्यूब। ये रहा मेरा यूट्यूब चल रहा है, ये जियो वाईफाई का जो है ना इसमें रिचार्ज किया हुआ नहीं है तो इसलिए ये इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो इसी तरह आप अपना फ़ोन में भी किसी के फोन जियो वाईफाई से आप अपना फ़ोन को इंटरनेट कनेक्शन करवा सकते हैं WPS के सहारे। तो इतना ही अभी वीडियो बनाते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।